हुई थी, जिसमें एक गाय के कुछ अंश शरीर के होने की सूचना थी, जिस पर तत्काल अपराध की कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी मौके पर गए, इसमें तीन लोगों के विरुद्ध नामजद IR की गई है और इसमें जो विधिक अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सब पूर्ण कर ली गई है। गौवंश के जो अंश हैं उसको प्रजर्व किया गया है, इसकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। साथ ही साथ में जो भी बाकी शेष उनका जो शरीर था गाय का, उसको विधिवत जो है दफनाया गया। क्या आरोपी की गिरफ्तारी? आरोपी गिरफ्तारी के लिए घटना के बाद से तत्काल भागे हुए हैं, वो CTO को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुद्दा जिले में गौ हत्या, गौशाला भ्रष्टाचार, बेजुबान आवारा मवेशियों से पीड़ित किसान जिले में बिक रही मांस पर कोई जांच ना होने के संबंध में है। कल गौ हत्या हुई, उसके मामले में आपसे चर्चा करना चाह रहा था। पूरा प्रशासन जानकारी है, उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठा रहा है? नहीं, कार्रवाई हुई है, FIR वगैरह हुई है, उसमें आरोपी नहीं गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी हो आप विचलन कर रहे हैं तो जैसे ही होता है जानकारी आ जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा। मैं बता दूं आपको, कल रात्रि की एक घटना थी, गंभीर विषय है जो कि मैं पहले फर्स्ट मुद्दे पे बात करूंगा। गौ माता के साथ आपके पड़रा पंचायत लगता है और बंधे के किनारे करीब 5-7-8 की जो भी संख्या रहे हों, मेरे युवा साथियों द्वारा जानकारी दी गई है, करीब 7 बजे की घटना है, 6:30 जानकारी दी गई कि एक गौ माता को निर्मम तरीके से हत्या करके काट कर उनका मांस जो है तो लिया जा रहा है, काट पीट रख रहे हैं। जब मैं मौके पे पहुंचता हूं तो मुझे लगा कि वो हथियार ले थे, सभी हथियार में गड़ासा उड़ासा लेते। मैंने इसकी जानकारी माहौल में हमारे थाना प्रभारी जो जमोड़ी है विशाल सिंह, उनको मैंने जानकारी दी सारी और वो तत्कालीन वहाँ पे पुलिस आई और पुलिस बोली कि आप लोग साथी मेरे 20-25 शिवसैनिक थे। और जब ही मैं पहुँचा वहाँ पे तो सारे शिवसैनिक गुट में, अलग अलग गुट में वहाँ पे छावनी की तरह अंधेरे में छापा मारने को, वो हमें लगता है कुछ घना कुने लग गई और वहाँ से भाग निकले। और भाग निकले, इत्तफाक देखिए कि कहीं ना कहीं अधर्म छुपता नहीं, कितना भी आप गलत करें तो वो खुलता ही सच्चाई। हम ढूंढते हुए बस्ती में डायरेक्ट घुसे और उसी घर पे जाके मैं खड़ा हुआ जहाँ पे वो कटिंग रखी। मैं तो गया, देखा था, कहा दो लोग खड़े थे तो वो एक लड़का मेरा जो देखा था शिवसैनिक, कुछ नहीं बोला कि भैया यही लोग हैं। मैंने कहा साइलेंट, क्योंकि वो हथियार भी लिए रह सकते हैं घर में है। तो मैंने तुरंत पुलिस वालों को बुलाया और जो 3 पुलिसकर्मी थे उसमें से हमारे कोई एक भाई साहब ने ये बताया कि ये मांस घर बैठा वहाँ पे मांस उसमें तगाड़ी में बोरी के अंदर भरा हुआ रखा था। कहा ये है मांस ये, तो उन्होंने पुलिस वालों ने देखा वहाँ पे। मैं तो था ही, साथी में सब पकड़ा। साथी में वहाँ पे एक महिला थी जो वहाँ पे आरोपी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप था, हमने तो देखा नहीं था, जो भाई ने देखा था। FIR दर्ज करवाया, मामले दर्ज हुए और वो गाय को मैं सीधे तौर पर बता दूँ, ये आज खुलासा हुआ है, एक डेमो टाइप का मेरे सामने है। हमें ये लगता है कि पूरी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ऐसा व्यापार चल रहा है और ऐसे व्यापार में ये सीधी शहर में, सीधी जिले में जितने मीट व्यापारी हैं इनकी कभी मांस चेक नहीं की जाती, कि वो भय काहे की मांस, ना वो जांच करने जाते, ना कुछ पता करने जाते। साथ में ये ईसाई समुदाय, ईसाई मशीनरी चल रही, ये इतना गंदगी करके रखे हैं कि गौ हत्या जैसी चीज़ों को बढ़ावा देकर पूरे हमारे पिछड़े समाज के कुछ ज़्यादातर आदिवासी या शोषित पीड़ित लोग गुमराह कर करके धन परिवर्तन का खेल कर रही है। गीता दीक्षित नामक महिला हर रविवार के दिन 500 ईसाई बनाती है, यही हफ्ते में एक दूध पार के पीछे बैठा।